हे हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री लोटस पे आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। तो गाइस, अगर हम बात करें तो मुझे पता है कि YouTube पे या ऑनलाइन वीडियो देखते टाइम थोड़ा सा बोर ज़रूर लगता है, क्योंकि ऑफलाइन अपने क्लास का माहौल अलग होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि हम ऑनलाइन के अलावा कुछ भी और क्लासेज अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोरोना वायरस से लड़ना है। और मुझे पता है, विश्वास है कि आप सब घर में आइसोलेटेड होंगे, भीड़ में कम से कम जाएंगे, अवॉइड करेंगे और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी ज़रूर इम्प्रूव करें। उसके लिए आप हेल्दी खाना खाएँ। तो सबसे पहले हम अगर बात करें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला जो अपना टॉपिक है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में एलिमेंट्री आइडिया अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो अपना पहला टॉपिक है वो है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ न्यूक्लियस। तो हम पहले टॉपिक के बारे में गाइज अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और पहले टॉपिक को अगर मैं फर्दर डिवाइड करूँ अपने हिसाब से, तो मैं इस टॉपिक को फॉलोइंग पार्ट्स में पढ़ाने की कोशिश करूंगा और पूरा पार्ट अपन इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है गाइज, तो धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें और पूरी वीडियो को देखें। 100% ये आपके एग्जाम के पॉइंट से काम आने वाली वीडियो है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपन कवर करेंगे, इससे आने वाली वीडियोस में हम इसके बाद आने वाले सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो पहला अपना टॉपिक है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ न्यूक्लियस। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री, हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ ही क्यों रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम व्हाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वो हम पहले पॉइंट में कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। सेकंड पॉइंट क्या है गाइस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे कैसे हमने, न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट की अगर बात करें गाइस, तो थर्ड पॉइंट हमें पढ़ना है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, किसके बारे में, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में। और इसी पॉइंट में हम कंपेयर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ न्यूक्लियस को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ एटम को कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियस की डेंसिटी। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है एलिमेंट्री आइडिया अबाउट न्यूक्लियस। इसको मैंने फर्दर फोर पॉइंट्स में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ ही क्यों रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस में हम दोनों एटम्स और एटम की साइज और न्यूक्लियस की साइज को कंपेयर करेंगे, और उसके बाद में डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो गाइस, हम शुरू करते हैं कि हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो आज हमें पता है कि सारी दुनिया के सामने एक एनर्जी का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम अगर बात करें, अगर मान लो हम अपने हिसाब से बात करें, तो हमें 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कहां से आ रही है, सबसे पहले अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी को, हाइड्रोलिक प्लांट्स में बनाया गया था, जो टर्बाइंस थे उनसे बिजली बनाने की शुरुआत की गई थी। उसके बाद में थर्मल प्लांट्स लगाए गए, जो कोयला जला के या किसी भी मटेरियल को जला के उसके जो हीट है उस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। जैसे हम इंजन की बात करें, इंजन में भी पेट्रोल जलाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ पेट्रोल, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम इंजन को चलाते हैं। उसके बाद में सोलर, विंड, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमने जनरेट किए जिनसे हम बिजली बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ही तरह की एनर्जी की बात कर रहे हैं फिलहाल, ओनली ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें, तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी अभी भी हैं जो हमें, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है,
उन सभी एनर्जीज की अगर मान लो हम बात करें तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं से हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए और हम उस एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज से ज़्यादा अपने पास रखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें किसी अदर कंट्री पर डिपेंड ना होना पड़े, और अदर कंट्री पर डिपेंड ना होना पड़े तो हम अपने ऊपर डिपेंड होके बहुत सारे काम खुद कर सकें, एनर्जी क्राइसिस को सोल्व कर सकें। और इस एनर्जी क्राइसिस को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी का बनता है, और इस न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू हम बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी एक चैलेंज होता है हमारे सामने, न्यूक्लियर वेस्ट का, उसको हम किसी भी तरह से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे पास एक चैलेंज जरूर है न्यूक्लियर वेस्ट का। तो इसी तरह अगर गाइज हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो हमें अगर बात करें, एक तो हम अगर केमिस्ट्री में बात करें तो हमने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी होंगी? केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह से अब हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे गाइस, इस चैप्टर में हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस की। किसकी? न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करेंगे। और न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे तो आज हमारा होल्ड है। हम किसी भी सब्सटेंस को चाहे उतने ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले जा सकते हैं। जैसे प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो हम उसको ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करके हम एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस पे होल्ड है। साइंटिस्ट का आज के टाइम पे कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस पे होल्ड है, ठीक है। लेकिन अभी न्यूक्लियस के ऊपर साइंटिस्ट का इतना बड़ा होल्ड नहीं है। तो इसलिए जब तक न्यूक्लियस के, हाँ इतना होल्ड जरूर है कि हम उसको थोड़ा बहुत एनर्जी को कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम उस एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज हमें पता है वही न्यूक्लियर रिएक्शंस एटॉमिक बॉम्ब या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब भी बन सकते हैं, ठीक है गाइज। तो अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के ऊपर इतना होल्ड नहीं है जितना कि केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर अभी साइंटिस्ट का उतना होल्ड नहीं है। जिस दिन उतना होल्ड हो जाएगा, हाँ उम्मीद है कि आने वाले 20-50 साल में अपना साइंटिस्ट का न्यूक्लियस के ऊपर होल्ड हो जाए तो उस दिन हम आर्टिफिशियल सन भी बना सकते हैं, अपना खुद का सन बना सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत सारी एनर्जी क्राइसिस को सोल्व कर सकता है। और न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर अगर अपना होल्ड हो जाए उतना ही हम इजिली हम इस एनर्जी क्राइसिस को सोल्व कर पाएंगे गाइस, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं इसका पूरा आइडिया अपने को मिल गया होगा। न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू हम एनर्जी क्राइसिस को सोल्व कर सकते हैं, न्यूक्लियस के थ्रू हम बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं जिसको हम किसी भी यूजफुल वर्क में चेंज कर पाएंगे गाइस, ओके। उसके बाद पहला टॉपिक अपना कवर होता है। सेकंड जो पार्ट कैटेगराइज हमने किया था वो था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। वो क्या था? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब हम अगर बात करें न्यूक्लियस की डिस्कवरी की तो इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है गाइज। सबसे पहले हमें पता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई थी। कौन सी थ्योरी आई थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसने कहा था सबसे पहली बार किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा हिस्सा डाल्टन ने बताया था वो एटम होता है। क्या होता है? एटम। यहां तक न्यूक्लियस की कोई बात नहीं थी गाइज, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गाइस। उसके बाद में हमें पता है गोल्डस्टाइन ने एनोड रेज के थ्रू प्रोटॉन की डिस्कवरी की। और फिर चैडविक ने 1932 में, किसने? चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। और इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी एक न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू हुई गाइज। और इस न्यूक्लियर रिएक्शंस को हमें पढ़ना है अभी यहाँ पे। एक न्यूक्लियर रिएक्शंस मतलब जिसमें न्यूक्लियॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे कहीं ना कहीं। और वो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या थी? बेरिलियम के ऊपर। किसके ऊपर? बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 4 एंड एटॉमिक मास या मास नंबर 9।
इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर अगर बात करें तो इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई, मतलब बेरिलियम की सीट ली गई और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई जेम्स सेडविक ने। और अल्फा पार्टिकल हमें पता है हीलियम का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब जिसमें दो प्रोटोन चार न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना हीलियम के एटम में, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो हीलियम का न्यूक्लियस बचा जिसमें दो प्रोटोन होंगे और दो न्यूट्रॉन, मतलब दो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4। तो हीलियम का न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल 2 प्लस चार्ज, क्योंकि हम हीलियम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं। जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई बेरिलियम की सीट के ऊपर तो हमें मिला गाइज कार्बन, क्या मिला? कार्बन C6H12। और साथ में एक पार्टिकल निकला न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था लेकिन उसका मास थोड़ा सा ज्यादा था प्रोटॉन से। ठीक है गाइस, तो इसलिए हम अगर बात करें तो ये जेम्स सेडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उसने देखा कि जब बेरिलियम की सीट के ऊपर हम अल्फा पार्टिकल जब टकरा रहे हैं तो उस टाइम पे कार्बन बन रहा है और साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल बन रहा है जिसका मास थोड़ा सा ज्यादा है प्रोटॉन से, और यहां से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई गाइस। ठीक है गाइस, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू देखो यहां पे, अब न्यूक्लियर रिएक्शन में एक चीज ध्यान रखनी है गाइस। ठीक है, देखो यहां पे एटॉमिक नंबर कितना है 4 and 6, तो यहां पे भी देखो टोटल सम कितना आया 6। यहां पे मास नंबर काउंट करना 13, तो यहां पे भी टोटल सम कितना 13। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में चार्ज कंजर्व रहता है लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर कंजर्व रहता है। यहां पे टोटल 6 है, यहां पे 13 है, तो यहां पे भी टोटल 6 है एटॉमिक नंबर और टोटल मास नंबर कितना है 13। तो हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में दो चीजें जरूर ध्यान रखनी है, सम ऑफ मास नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सम ऑफ मास नंबर ऑन राइट हैंड साइड, सम ऑफ मास नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सम ऑफ मास नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सम ऑफ मास नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सम ऑफ मास नंबर ऑन राइट हैंड साइड। मास नंबर को ऐसे दिखाते हैं गाइस, ठीक है, सम ऑफ मास नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सम ऑफ मास नंबर ऑन राइट हैंड साइड। इसी तरह सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑन राइट हैंड साइड गाइस। ये चीजें न्यूक्लियर रिएक्शंस में अपने को ध्यान रखनी है। तो अगर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो सबसे पहले डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टाइन ने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स सेडविक ने की, और एक न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू डिस्कवरी हुई थी जब हमने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल कोलाइड किए, तो अल्फा पार्टिकल कोलाइड किए तो कार्बन बना, कार्बन के साथ में न्यूट्रॉन जनरेट हुआ, एक न्यूट्रल पार्टिकल था। और हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक चीज ध्यान रखनी है कि सम ऑफ मास नंबर 9 + 4 = 13, 12 + 1 = 13, दोनों साइड सेम रहने वाला है कंजर्व। इसी तरह से 4 + 2 = 6 + 0 = 6। तो गाइस यहां तक मेरे ख्याल से बात अपने को क्लियर हुई होगी। तो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक पहुंच चुके हैं, अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो चुकी थी। उसके बाद में अगली जो डिस्कवरी हुई थी वो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से की थी, और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही डिस्कवरी के बाद न्यूक्लियस का पता चला था। मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की थी गाइस? रदरफोर्ड ने सबसे पहली बार न्यूक्लियस वर्ड का यूज किया था। किसका वर्ड का यूज किया था? न्यूक्लियस वर्ड का यूज किया था। अगर हम बात करें इसमें तो इसमें एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जो है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और अब हमें यही पढ़ना है गाइज, यहीं से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस निकल के आएगा। तो हमें उम्मीद है कि हम सब ने एक बार पहले भी अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा है, तो इसीलिए हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रीफली थोड़ा सा बताने की कोशिश की है गाइज। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, रदरफोर्ड ने एक हैवी मास जो कि लेड, यहां से एक लेड का बॉक्स लिया और इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया,
जो अल्फा रेज एमिट कर रहा था, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जो कौन सी रेज एमिट कर रहा था, अल्फा रेज एमिट कर रहा था, और यहाँ पे एक गोल्ड की थिन फॉइल ली गाइस, कौन सी थिन फॉइल ऑफ गोल्ड लिया, यहाँ पे थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड लिया, ठीक है। उसके बाद में यहां से अल्फा रेज जा रही थी और यहां पे एक स्क्रीन ली गई, यहां पे एक स्क्रीन ली गई, यहां पे एक स्क्रीन ली गई जिसके यहां पे ZNS की कोटिंग की गई गाइस। किसकी कोटिंग की? ZNS की। ZNS मतलब एक फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं इसको। किसकी कोटिंग की गई गाइस? ZNS, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई, और जिसको हम फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं। यहां से अल्फा रेज जब एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो रदरफोर्ड ने देखा जब अल्फा रेज यहां से जा रही है तो अल्फा रेज जहां पे भी टकराएंगी वहां पे स्पॉट बनेगा अपने पास ZNS के ऊपर। फोटोग्राफिक प्लेट है तो उसके ऊपर जब भी मतलब कि कोई भी एनर्जी का पार्टिकल टकराएगा तो वहां पे एक स्पॉट बनेगा। तो उसने देखा कि 99% क्या ऑब्जर्वेशन की रदरफोर्ड ने, तो रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशंस मैं यहां पे लिख रहा हूं गाइस, ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, 99% अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए, स्ट्रेट, ठीक है, अनडेविएटेड, कोई भी डेविएशन ऑब्जर्व नहीं हुआ। 99% अल्फा रे, जो अल्फा रेज थी, अल्फा पार्टिकल्स थे उनके अंदर, अल्फा रेज के अंदर 99% पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट सीधे निकल गए। उसके बाद में अगला पॉइंट रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ पार्टिकल थोड़े एंगल से डेविएट हुए हैं, कुछ पार्टिकल थोड़े एंगल से क्या हुए हैं, डेविएट, और 200 में से एक, वन अमंग 200, वन इन 200 पार्टिकल्स, 200 पार्टिकल्स डेविएटेड। अगर हमने 200 पार्टिकल अल्फा रेज के डाले तो उनमें से एक पार्टिकल हल्का डेविएट हुआ, और 20,000 में से एक, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल 180 डिग्री एंगल पे वापस आया, बिल्कुल 180 डिग्री एंगल पे वापस आया। तो रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे लेड का बॉक्स लिया, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाला जो अल्फा रेज एमिट कर रहा था, और ये अल्फा रेज थिन गोल्ड की फॉइल पे डाली गई। उसमें से पहली ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट, 99% जो अल्फा रेज थी वो बिल्कुल सीधी निकल गई, कुछ एंगल से 1 in 200, 200 में से एक कुछ एंगल से डेविएट हुई, और 20,000 में से एक 180 डिग्री एंगल पे वापस आई। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के रिजल्ट निकाले गए, कंक्लूजन निकाले गए। तो सबसे पहला जो 99% अगर सीधी जा रही है, अगर मान लो मैं यहाँ से सीधा जा सकता हूँ तो मेरे पास स्पेस है तभी जा सकता हूँ, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ एटम, 99% ऑफ एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ एटम है वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, एक खाली जगह है 99% एटम। उसके बाद में 1% जो डेविएट हुई, इसका मतलब क्या है, देखो अल्फा पार्टिकल अभी हमने पढ़ा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है गाइस, पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर गोल्ड के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी दूर में पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल यहां पे आया, और इस पॉजिटिव से थोड़ा सा इस पॉजिटिव के नजदीक आएगा तो रिपेल होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो इसका मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कर रही है, 200 में से एक हल्का डेविएट हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो 99% खाली जगह है उसके अलावा 1% जगह है, उस 1% जगह में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्मॉल जो ए वॉल्यूम है उसके अंदर कहीं ना कहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, 20,000 में से अगर एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल वापिस आ रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा डेंस है गाइज, बहुत ज्यादा क्या है, डेंस, जब भी सीधा टकराएगा बिल्कुल 180 पे तभी आ सकता जब बहुत ज्यादा कोई डेंस चीज हो, ठीक है। तो थर्ड जो कंक्लूजन आया वो क्या आया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो न्यूक्लियस है, इसको नाम दिया गया न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस बोला, ये न्यूक्लियस है ये बहुत ज्यादा डेंस है, इट इज हाईली डेंस इन नेचर, न्यूक्लियस इज हाईली डेंस इन नेचर। तो गाइज रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की
डिस्कवरी कैसे हुई, उसने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट है ये गाइज, ठीक है। करीब करीब 11 साल तक रदरफोर्ड और उनके जो पीएचडी, जो भी उनके अंडर जो पीएचडी कर रहे थे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने 11 साल तक इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और करीब करीब 11 साल में पूरे कंक्लूजंस दिए हैं गाइज ये, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, गोल्ड की फॉइल से पास किया गया, 99% सीधी निकल गई, इसका मतलब 99% या मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, खाली है। 1% 1 in 200 थोड़ी डेविएट हुई, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। और थर्ड 20,000 में से एक वापस आई, इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेंस है गाइज। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक पूरी बात क्लियर हुई होगी। और यहीं से रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें सबसे पहली बार न्यूक्लियस की बात हुई, और उसने क्या कहा कि न्यूक्लियस एटम में बहुत थोड़ी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है गाइज, ठीक है गाइज। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं कि हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, सेकंड हम पढ़ चुके हैं कि रदरफोर्ड की ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। ये मैंने थोड़े ब्रीफली बताए हैं, ज़्यादा कुछ मतलब यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा, मतलब पूरा ब्रीफली मैंने पूरा का पूरा कंक्लूजन एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो अब हम जो भी फर्दर टॉपिक हैं वो हमारे लिए नए होंगे केमिस्ट्री के हिसाब से, और उन टॉपिक्स को हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और पूरा डिटेल में पढ़ते जाएंगे गाइज। और अब जो हमारा थर्ड टॉपिक है गाइज, कौन सा टॉपिक, थर्ड टॉपिक, तो थर्ड टॉपिक है अपना रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मतलब अगर बात करें इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक में अगर बात करें तो हमें पता है ये एटम है, ये एटम है, और एटम के अंदर थोड़ी सी जगह पे न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस की रेडियस की बात कर रहे हैं गाइस, इस न्यूक्लियस की रेडियस की बात कर रहे हैं। तो लेट्स से वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय कैपिटल आर, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो हमें यहां पे एक रिलेशन याद रखना गाइस, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ए की पावर 1/3, जहां पे आर क्या है गाइज, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। आर क्या है, न्यूक्लियस की रेडियस। आर नॉट एक कांस्टेंट है, आर नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अपने को याद रखनी है 4/3 इंटू 10^-15 मीटर। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अपने को क्या याद रखनी है, 4/3 इंटू 10^-15 मीटर, या फिर 1.1 से 1.44 के बीच में होती है गाइस इसकी वैल्यू, 1.1 से 1.44 इंटू 10^-15 मीटर, हमें यही वैल्यू याद रखनी है गाइस। उसके बाद में ए है एटॉमिक मास, ए इज मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। देखो अब ध्यान से सुनना गाइस, अगर मुझे किसी एलिमेंट का मास पता चल जाए, किसी एलिमेंट का क्या पता चल जाए, मास, ठीक है, तो क्या हम उसकी रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का मास अगर मान लो अपने को सबको पता है, मैं तुमसे पूछूं बताओ एल्यूमिनियम की रेडियस क्या होगी न्यूक्लियस की, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की, नॉट एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस क्या होगी, तो हमें पता है एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 फॉर्मूला लगा देंगे, आर ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू आर बाई 4/3, 4/3 इंटू 10^-15 इंटू ए, एल्यूमिनियम का 27 की पावर 1/3 गाइज हमें पता है 3 होता है, तो 4/3 इंटू 10^-15 इंटू 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आया गाइज, 4 × 10^-15 मीटर, 4 × 10^-15 मीटर इज द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम रेडियस किसी भी एलिमेंट की, न्यूक्लियस की रेडियस निकाल सकते हैं अगर हमें उसका मास पता हो। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक यहाँ से क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमने यहां से किसी भी एलिमेंट की न्यूक्लियस की रेडियस कैसे निकालते हैं वो हम आराम से यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे मैंने एक बात कही थी, यहां पे हम कंपेयर करेंगे न्यूक्लियस के साइज और एटम के साइज को, न्यूक्लियस के साइज एंड एटम के साइज को हम यहां पे कंपेयर करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनना गाइस, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो इसका मतलब अगर इसकी अगर हाइड्रोजन की बात करें तो रेडियस क्या आ जाएगी, 1.2 × 10^-15 मीटर हाइड्रोजन के केस में,
और बोहर्स मॉडल सबको याद होगा, उसमें हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिट था, जो फर्स्ट ऑर्बिट था हाइड्रोजन का, उसकी जो रेडियस थी, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बताना एक बार, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट अगर याद हो तो 0.529 एंगस्ट्रोम, और एंगस्ट्रोम को मीटर में चेंज करूं तो -10^10 meters, ये देखो 10^-10 meters है, और ये कितना है 10^-15 meters, 10^-15 meters, मतलब एटम का साइज न्यूक्लियस से 10^5 meters, मतलब 100,000 meters ज्यादा है। मतलब ध्यान से सुनना गाइस, अगर मान लो ये यहां तक 1 meter होता है, अगर इतना न्यूक्लियस है 1 meter, जस्ट 1 meter, अगर इतना न्यूक्लियस है तो 100 kilometers जितना एटम होगा। इसका मतलब न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्मॉल है गाइज, इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। बात समझ में आई गाइज? ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास एटम है तो इसका 100,000 गुना छोटा हिस्सा, इसका 100,000 गुना छोटा हिस्सा वही न्यूक्लियस होगा। वही क्या होगा? न्यूक्लियस। एटम ही बहुत छोटा होता है तो इसका मतलब न्यूक्लियस तो बहुत ज्यादा छोटा होने वाला है गाइस, और इसीलिए यहां से हमारे पास एक यहां से देखो क्लियरिटी बिल्कुल सामने आ गई है कि एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस 100,000 गुना छोटा होता है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक हमने 3 points कवर कर लिए हैं गाइस। अगर हम बात करें, सबसे पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, सेकंड हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, और थर्ड हमने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात की, और जिसमें हमने एक फॉर्मूला याद किया, रेडियस किसी भी न्यूक्लियस की r = r0 * a^3 होता है। अब हम लास्ट टॉपिक, एलिमेंट्री ऑफ आइडिया के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं गाइस, जो कि है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। जो क्या है? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस को मान लो डी से दिखाते हैं, डी न्यूक्लियस से, तो डी न्यूक्लियस डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है गाइस, डी न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस एक स्फीयर होता है, तो क्या इस वॉल्यूम को हम 4/3 πr³ लिख सकते हैं? तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम को 4/3 πr³। r क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अभी हमने पढ़ा है ये होता है गाइस। तो क्या हम r की वैल्यू यहां पे रख सकते हैं? तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन 4/3 πr³ * a^3³। तो r नॉट क्यूब इंटू ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा गाइज? r नॉट क्यूब इंटू ए, जहां पे a मास है, मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, r नॉट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है। अब अगर हमें मास ऑफ न्यूक्लियस पता चल जाए तो क्या हम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस नहीं निकाल लेंगे? और मास ऑफ न्यूक्लियस हमें पता है, देखो अब डेंसिटी ना हम निकालना चाह रहे हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो आर नॉट की वैल्यू तो अपने को पता है मीटर में, आर नॉट की वैल्यू क्या होती है गाइस? 4/3 × 10^-15 meters, 4/3 × 10^-15 meters, ये तो r नॉट की वैल्यू होती है। अगर ये यहां नीचे तो मीटर क्यूब आ चुका है अपने पास, नीचे क्या आ चुका है? मीटर क्यूब। अब हमें ऊपर किलोग्राम लेके आना है, क्या लेके आना है? किलोग्राम। अब हमें पता है किसी भी न्यूक्लियस का मास amu होता है, एटॉमिक मास यूनिट में होता है, ठीक है, डिवाइड बाई 4/3 πr³ a।
अब AMU को हमें किलोग्राम में चेंज करना है, तो हमें पता है ये चीज, 1 AMU is equal to 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है ना गाइस, 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है, तो यहाँ पे क्या 1 AMU की जगह पे हम 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम रख सकते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बताओ गाइस, A into 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 अपॉन 4 by 3 into 3.14 पाई की वैल्यू रख दी गाइस, और R नॉट की वैल्यू ये रही 4 by 3 into 10 की पावर माइनस 15 और A as it is है गाइस, क्या A से A कैंसिल हो जाएगा, क्या यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और जब इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो ये अपने पास आ रहा है 2.3 into 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसका मतलब क्या कहीं पे किसी भी न्यूक्लियस में कोई डेंसिटी में, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस में कोई वेरिएबल आ रहा है गाइस, मुझे नहीं लग रहा कहीं वेरिएबल आ रहा है, इसका मतलब ध्यान से सुनना गाइस बात, देखो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू फिक्स आई है, क्या यहां पे हमने कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लिया, नहीं, जैसे हम बात करें पीरियोडिक टेबल में तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन सबकी डेंसिटी अलग होती है, लेकिन यहां पे हम डेंसिटी ऑफ एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, यहां पे हम डेंसिटी ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस की डेंसिटी चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो हीलियम हो, चाहे कॉपर हो, सबकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहने वाली है गाइज, बहुत गजब की बात है ये, हर न्यूक्लियस की डेंसिटी बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है, और वो 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, इसका मतलब सुन, अब इस डेंसिटी को अगर हम वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करें, तो वाटर की डेंसिटी से अगर कंपेयर करें, तो अगर हमें पता है वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर एमएल होती है, 1 ग्राम पर एमएल मतलब 1 एमएल में 1 ग्राम होता है, अगर उसको सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम में चेंज करें तो वो 10 की पावर 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 की पावर 14, इसका मतलब वाटर से लगभग 10 की पावर 14 टाइम्स न्यूक्लियस ज्यादा हैवी होता है गाइस, वाटर से न्यूक्लियस 10 की पावर 14 टाइम्स, बहुत बड़ा अमाउंट है गाइस ये, 10 की पावर 14 बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब अगर 1 एमएल न्यूक्लियस दे दिया जाए तो हम शायद उसको उठा भी नहीं पाएंगे, 1 एमएल अगर न्यूक्लियस दे दिया जाए, सिर्फ न्यूक्लियस इकट्ठा करके दे दो 1 एमएल, हम उसको उठा भी नहीं पाएंगे गाइस, इतना ज्यादा हैवी होता है, और इसीलिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लार्ज एंड इट इज इन रेंज ऑफ 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 10 की पावर 14 ग्राम पर एमएल। तो गाइज मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेके आएं, और जब तक कोरोना वायरस रहे तब तक आप प्लीज़ घर पे आइसोलेटेड रहें, और तब तक हम वीडियो रेगुलर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और होपफुली वीडियो सबको पसंद आई होगी, और आगे आने वाले टाइम में हम और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइज चैनल को, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू again.